मेरा नाम भट्टू महाराज सरका में अर्क विनायक जी का आपको दर्शन कराया। और ऐसा मंदिर माना जाता है प्राचीन में विश्वनाथ महाभारत लोलारक कुंड ये सब एक ही जगह का था। इनके दर्शन बहुत महत्व है, गुप्त में इनका दर्शन किया जाता है कि पता चले कोई देखे ना दर्शन कर लीजिए आप, इंसान को भी ना पता चले ना जानवर को, तब दर्शन इनका महत्ता बहुत होती है। इनको कुछ नहीं, दुर्वा और लावा चढ़ाई तो दर्शन कराए आपको, तो ऐसा मंदिर आप नहीं देखे होंगे। यहाँ आते ही बहुत कार हो जाता है। तो अब दर्शन किए, मेरा वीडियो शेयर कमेंट लाइक करिएगा। मेरा नाम और कुछ पूछना हो गणेश जी के दर्शन में चढ़ाने का वो भी पूछिएगा, तो मैं आपको कमेंट बता दूंगा। महाराज जी भी संगे हुमन, आज राहुल भी सेवा में संलग्न रहन और पुजारी जी का बड़ा सहयोग रहल, आरती संपन्न हुई और भगवान का दर्शन आप सभी के लिए तुरंत यह आपके सन्मुख बाबा का जानन है। ये बड़े वाला जो विग्रह है भगवान श्री अर्क विनायक जी का है, और बगल में जो छोटा सा विग्रह कहते हैं इनको भी कहते हैं, कभी कई कई लोगों के मन में जनश्रुति है इस प्रकार से कि ये चंद्र विनायक इस प्रकार से कहा जाए, तो इनको उस नाम से पूजित किया जाता है। या समझिए कि दोनों सूर्यार्क और चंद्रार्क दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन मूल विग्रह स्वरूप में भगवान श्री अर्क विनायक जी का यहाँ पर स्थापन है। और यह बहुत ही सर्वप्रथम जब काशी में भगवान विश्वनाथ जी के दोबारा आगमन से पूर्व इनका आगमन हुआ और काशी में आकर के यह लोलार्क के निकट जो है उसके पूर्व भाग में स्थित हो जाते हैं। ऐसे गजानन गणपति जी का कहते हैं कि इनके समक्ष जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति की समस्त विघ्न बाधाओं का समूल नाश कर देते हैं। यह गणेश जी सदैव वरद होते हैं और भक्त अगर इनके समक्ष आकर के और मत्था टेक दे और इनको समर्पण कर दे कि हे गणेश जी आप ही जानिए, ऐसी भाषा अगर किसी ने प्रयोग कर दी तो गजानन जो है तत्काल उन सब चीज़ों से जो है कष्टों से विपदाओं से तुरंत जो है भक्तों को अपने दूर करते हैं। तभी तो भैल भैया जो ठेठ वाला आप शुरू हो जाए, देखा बने बनारसी जो ना व्यवस्था हो वो यूट्यूब में डाला, यूट्यूब में कमाई कुछ हो तो कि नहीं अभी नहीं भैया, आपका तो आता ही फेसबुक से। ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः, जय जय गजानन जय गणेश जी। आज इस गणेश चतुर्थी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के गणेश चतुर्थी का दिवस है और भगवान श्री गजानन की सेवा का दिन आज बुधवार है, और बुधवार के दिन चतुर्थी पड़ गई, बड़ा अच्छा ही योग बना और भगवान विश्वनाथ की ऐसी अनुकंपा से आज बहादिकर्मण तेन श्री भगवान गणपति ही श्री महागणपति अर्क विनायक प्रियदाम नमः। गजानन गणपति जी महाराज की जय। बोलिए प्रेम से अर्क विनायक भगवान की जय। श्री अर्क विनायक भगवान की जय। श्री अर्क विनायक भगवान की जय। नमः पार्वती वदे हर हर महादेव, हर शंभो शंकरा शिव हरे केदार, जय श्री केदार। ए
कदली गर्भदं भूतं कर्पूरेण प्रदेविदं आराधिकमहं गुरवे पश्यवे वरदो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः अर्कविनायकाय नमो नमः कर्पूरारार्तिकनीदाधनं सन्दर्शयामि प्रथमान्यासन्नाभिहताकं महिमानः सदन्तजनपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः तन्नो चरण कमलेषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि यानि कांज बाबा निर्मातृदान। मेरा नाम बटुक महाराज, सरकार में यही तुलसी घाट पे रहता हूँ, यहीं पे अपना पूजा पाठ करता हूँ। तो मैं आपको ले चलता हूँ अर्क विनायक दर्शन करने। अर्क मतलब जल देना, विनायक का मतलब पत्नी होता है। तो अर्क विनायक का दर्शन करने से बहुत चीज़ का फायदा होता है, तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि उसको गुप्त में रखा जाता है। तो आपको दर्शन करा दूंगा श्रृंगार का, भाई दिव्य श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार कभी नहीं हुआ था इस मंदिर का। तो मैं आपको श्रृंगार का दर्शन और मंदिर दिखाता हूँ। जय गणेश।